जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, बोलो याशु। जय जिनेन्द्र। हवे आज का लेक्चर आगे शुरू करेंगे। माल्यवन पर्वत, नीलवन पर्वत, सुमेरु पर्वत, ये सब जम्बू द्वीप के अंदर है। तो मेरु पर्वत के उसमें बराबर मध्य में मेरु पर्वत, मेरु से उत्तर में नीलवान पर्वत और मेरु से दक्षिण में निषद पर्वत। अब आपको यहाँ ये देखना है कि मेरु और निषद पर्वत के बीच में दक्षिण कुरुक्षेत्र और मेरु और नीलवान पर्वत के बीच में उत्तर कुरुक्षेत्र, ऐसे दो क्षेत्र है। ये दोनों क्षेत्र पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत है और पूर्व से पश्चिम में पूरा विस्तृत उत्तर से दक्षिण तक ये फैला हुआ है और इसका संस्थान चंद्र अष्टमी के चंद्रमा जैसा है। अष्टमी के चंद्रमा जैसा, अष्टमी का चंद्रमा साइड से ऐसा होता है, गोल, ऊपर से सीधा लेकिन साइड से चंद्राकार, आधा चंद्र कैसा होता है, ऐसा होता है ना अष्टमी का चंद्र। यहां से अब गोल का आधा कर लो, ऐसा अष्टमी का चंद्र होता है। तो इसका संस्थान बिल्कुल अष्टमी के चंद्र के जैसा है और इसका विस्तार जो है उत्तर दक्षिण 11,842 योजन उत्तर और दक्षिण में, मतलब जो जो ऐसे ऐसे विस्तार मेरु से लेके हमारे भरत क्षेत्र तक, ये उत्तर दक्षिण हुआ। तो उसका जो उत्तर दक्षिण विस्तार है वो 11,842। अब इसका ये जो क्षेत्र है उसका स्वरूप क्या है ये बताया है कि यहाँ का भूमि भाग बिल्कुल बहुसम रमणीय और साथ में यहाँ पे ये जो रमणीय भूमि भाग के बाद भी यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि कल्प वृक्ष है, यहाँ कोई मनुष्य और ये सब यहाँ नहीं मिलेंगे, यहाँ कल्प वृक्ष मिलेगा। और ये कल्प वृक्ष के अंदर किस प्रकार से यहाँ की कल्प वृक्ष के साथ बताया गया है 265 पसलियाँ, यहाँ पे 265 पसली वाली व्यक्ति होती है और 3 गांव की काया है उसकी, कम से कम 1500 धनुष जितनी काया हो गई, 3 गांव की काया और डेढ़ एक पल्योपम से ज्यादा उसका उनकी आयु होती है। उनकी ऊंचाई 6000 धनुष, 2000 2000 2000, तो 3 गांव हो गए, 2000 धनुष बराबर 1 गांव, तो 6000 धनुष मतलब 3 गांव। और यहाँ अनेक गुल्म है, गुल्म का मतलब ये हो गया वृक्ष और लताएं, तो वृक्ष और लताएं में खास करके कल्प वृक्ष ही यहाँ होते हैं और यहाँ का मनुष्य मरने के बाद देवलोक में जाते हैं। 3 दिन के बाद ही उनको आहार की इच्छा होती है और 3 पल्योपम की आयु, कितनी 3 पल्योपम, आप ये सोच सकते हैं कि आज किसी भी देवता की आयु ज्यादा से ज्यादा एक ही पल्योपम होती। जो भी देवता आपको यहाँ मिलेंगे, जैसे कि जम्बू द्वीप के जम्बू वृक्ष के देवता या फिर ये माल्यवान पर्वत के देव, ये सारे देवों की जो आयु है वो एक पल्योपम की होती है, जबकि उत्तर कुरु देव कुरु के युगलिकों की आयु 3 पल्योपम की होती है, 3 पल्योपम। और ये तो जघन्य हो गई, ये तो जघन्य हो गई। ऐसा ही उत्तर कुरुक्षेत्र जो निषद पर्वत के पास है, निषद पर्वत के पास तो दक्षिण कुरु, लेकिन उत्तर कुरु नीलवान पर्वत से पहले, जब भी मेरु से दक्षिण में आप जाओगे नीलवान पर्वत आएगा, उससे पहले ये दक्षिण कुरुक्षेत्र होगा। जैसा उत्तर कुरुक्षेत्र है वैसा ही दक्षिण कुरुक्षेत्र। कल जो बात हो रही थी लवण समुद्र की शिखा, जो ऊपर की शिखा है वो बिल्कुल 10,000 लवण समुद्र में 10,000 योजन चौड़ी और 16,000 ऊंची, ऐसी बराबर मध्य भाग से उसके ऊपर के भाग से आकाश में उछलने वाली
जल शिखा कही गई है, जल शिखा, क्योंकि जहाँ नीचे कलश है ना, चार महापाताल कलश और लघु पाताल कलश, उसके अंदर का वायु क्षोभित होता है और ये जल को ऊंचे आकाश में उछालता है। जब भी नीचे के मध्य के त्रिभाग में रहा कुंभिका का वायु जब भी क्षोभ होगा, क्षोभित होगा, तब ये वायु उछलेगा बाहर, और बाहर उछलने के कारण ऊपर का जो पानी का एरिया है वो उछलेगा, और वो पूरा इतने सारे घड़े में से पानी उछलने के कारण ये शिखा, जल शिखा 16,000 योजन तक उछलती है। और दो दिन में दो बार तो ये होता ही होता है। जब भी तिथि का समय आएगा तब ये भर्ती होगी, तब उछलेगा, और जब भी उसके बराबर 6 घंटे का समय जाएगा तब ये ओट होगी, यानी कि वो पूरा वायु नीचे बैठ जाएगा, और वो बैठने के कारण पानी पूरा वापस जो उछला हुआ है वो अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से आधा योजन तक ये शिखा उछलती है और ये वापस घटती भी है। अब ये जो भी ये आधा योजन तक जो उछल रही है ना, ये तो हमारा मोजा की बात है, जो भी मोजा उछलते हैं उसकी बात। अब ये मोजा जब उछलते हैं तब उसको कौन धारण करते हैं? 42,000 नाग कुमार देव, ये याद रखना, 42,000 इतने नाग कुमार देव उसको धारण करते हैं। वो अभ्यंतर वेला की बात है, अंदर ना भाग में, जो अंदर के भाग में जो गिर रही है वो, लेकिन जो शिखा बाहर के भाग में गिर रही है, जल शिखा, उसको 72,000 नाग कुमार देव धारण करते हैं, 72,000, और 60,000 नाग कुमार कुछ मिलके अग्रोदक को धारण करते हैं, मतलब जो आगे आने वाला पानी है वो। जैसे कि जल शिखा तो उछली, उछल के गिरी, तो गिरी उसको तो नाग कुमार देवों ने धारण कर लिया, लेकिन मोजा उछलने के कारण जो किनारे से बाहर आता है ना, उसको भी 60,000 नाग कुमार देव, वो जो बाहर आने वाला अग्र पानी, उदक अग्र में आ रहा है, बाहर निकल रहा है, उसको धारण करके वापस उसको समंदर में डालते हैं। तो इस प्रकार से 1,74,000 नाग कुमार देव, बहुत बड़ी संख्या है ये, समझ में आया? इतने वेलंधर देव हैं जो पानी की वेला को धारण करते हैं। आओ, वेलंधर नागराज कितने, इसमें भी जो सेवक है बाकी तो, लेकिन जो राजा नागराज है वो कितने है? तो वो 4 वेलंधर नागराज है, 4। कौन है उनके नाम? गोस्तुभ, शिवक, शंख और मनहशील। ये 4 नाग कुमार देव हैं, वेलंधर देव। उनके 4 आवास पर्वत है, वो आवास पर्वत का नाम है गोस्तुभ, उदकावा, शंख और दक्षिमा। ये 4 उसके आवास पर्वत। अब ये 4 पर्वत कहाँ है? तो चारों दिशा में 4 है। पहला गोस्तु पर्वत है, वो मंदर पर्वत से पूर्व दिशा में, बराबर मंदर से पूर्व में, तो लवण के पश्चिम में हुआ, ये लवण समुद्र से पश्चिम में हुआ और मंदर से पूर्व में हुआ। तो मंदर से पूर्व दिशा में आप आगे आगे जाओ, 42,000 योजन जब आप जाओगे तब आपको समुद्र में जाओगे तब आपको वेलंधर नागराज का गोस्तु आवास पर्वत मिलेगा, और ये पर्वत पानी के बाहर 1721 योजन जितना ऊंचा है और 4301 योजन ऊंडाई है। ऊंडाई मतलब पानी के अंदर, समझ में आया? 4301 योजन ये पानी के अंदर ऊंडा है और 1721 जितना पानी से बाहर ऊंचा है। मूल में ये 1022 योजन लंबा चौड़ा, मतलब उसकी परिधि, बीच में 723, नीचे 1022, बीच में 723, तो थोड़ा कम हो गया, और ऊपर 424, तो और कम हो गया, ऐसे पर्वत हो गया ये। अब मूल में 1022 योजन लंबाई चौड़ाई, तो 3230 उसकी परिधि हो गई, बीच की परिधि भी 2284 और ऊपर की परिधि भी 1341। अब आपको यहाँ ये समझना है कि जब 4301 उसकी ऊंडाई बताई है, तो 4301 तक यहाँ पानी आ गया लवण में, बताओ। अब
पर्वत की ऊंडाई ही 4301 है, तो लवण समुद्र 1000 ऊंडा है, ये पॉसिबल है? नहीं, लवण समुद्र 1000 अगर ऊंडा है तो ये पर्वत की ऊंडाई 4301 तो हो ही नहीं सकती। पहली बात ये, अगर आप लवण समुद्र को 1000 ही ऊंडा समझोगे तो 4301 योजन की ऊंडाई पर्वत की कभी नहीं होगी। ठीक है, तो जब अब आपको यहाँ ये ध्यान देना है, आओ मैं एक बार आपको पिक्चर में लेके जा रही हूँ, आओ देखो। तो ये आपके सामने पिक्चर है, ये जम्बू द्वीप है। यहाँ से आपको पूर्व दिशा में, क्योंकि ये जम्बू के पूर्व में ये हुआ ना, यहाँ से पूर्व दिशा आएगी जम्बू की, तो पूर्व दिशा में 42,000 योजन आगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 95,000 है। ये क से लेके यहाँ नीचे तक कर्सर घूम रहा है, ये 95,000 आप नीचे उतर रहे हो। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है 95,000, तो इसमें 95,000 जब आप नीचे उतरोगे तो यहाँ पे आपको 95,000 तक मिट्टी और बिल्कुल पानी नहीं किनारे पे। फिर जैसे जैसे नीचे जाओगे ना, तो 5 योजन पानी होगा तो 90 योजन तक ये पत्थर होगा। होगा कि नहीं बोलो, तभी ये सपाटी 95,000 होगी ना ऊंडाई। तो जितना आगे जा रहे हो 10% आपका पानी हो रहा है और बाकी का 80-90% पर्वत हो रहा है। जैसे आगे जा रहे हो पानी का भाग बढ़ेगा और इसका भाग घटेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आप 95,000 तक उतर गए हो तो उसमें 42,000 आगे जाने पे 10% आपको पत्थर मिलेगा। आप 42,000 आ गए हो तो 42,000 पे 4,300, क्योंकि 95,000 है तो उस हिसाब से 4,301 जगह ही पानी, बाकी सारा नीचे पत्थर। बोलो होगा कि नहीं, 10वें भाग तक पत्थर आएगा ना। मेरी ये बात समझ में आ रही है? यहाँ से यहाँ 95,000 नीचा है, आप जैसे जैसे नीचे उतरोगे ना, तो जैसे कि यहाँ 5,000 में पानी है तो 90,000 पत्थर है, 10,000 में पानी आया तो नीचे आपके नीचे 85,000 पत्थर है। अगर 4300 तक आप पहुंचे हो तो 43,000 उतरोगे तो 43 तक पहुंचोगे कि नहीं बोलो। हाँ, तो आप जैसे ही 43,000 उतरोगे तो 4300 तक तो पर्वत होना चाहिए ना। तो ये पर्वत यहाँ पे 4300 योजन पानी में है, बोलो हुआ कि नहीं। आप 42,000 नीचे उतरे हो तो 42,000 से ज्यादा पर्वत पानी में होना चाहिए, 4200 से, बस उससे ज्यादा नहीं है ना। और बाकी का नीचे पर्वत होगा, पर्वत ही होगा ना। जब भी पत्थर होगा उसका रूट मिट्टी में होगा या पानी में होगा। यहां तक तो ये मिट्टी है, अब यहां से पर्वत शुरू हुआ है पानी के अंदर। समझ में आ रहा है? ये 95,000 है, आप 45,000 तक आ जाओ, 42,000 तक मतलब कि यहां पे। तो यहां पे आपको 4300 तक पानी मिलेगा, तो 4305 तक वो पर्वत पानी में, और उसके बाद 1768 योजन बाहर और फिर ऊंचाई में पानी के बाहर। तो ये गोस्तूप आवास पर्वत हुआ। तो यहां से पूर्व में गोस्तूप, फिर एक है पश्चिम में, एक है उत्तर में, एक है दक्षिण में, तो चारों दिशा में 4 आवास पर्वत मिलेंगे। और बराबर कोने से आप अंदर जाओगे, 43,000 अंदर गए तो 4300 जमीन का एरिया हुआ, पानी हो गया, 4300 तक पानी आ गया। जैसे ही आप मान रहे हो कि आप 50,000 गए हो तो 5,000 तक पानी आएगा सीधे 10वें भाग तक, ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा। अब यहाँ 50,000 तक आने के बाद तो सीधा आपका वो पर्वत पत्थर का आपको वो ही मिल जाएगा बराबर मध्य में, तो 1,00,000 योजन का पाताल कलश, महापाताल कलश। महापाताल कलश 1,00,000 योजन की यहां से चौड़ाई है, तो यहां से चौड़ाई 1,00,000 योजन है। तो 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000 चारों तरफ 1,00,000 आए, तो चारों तरफ 1,00,000 आ गया तो आपकी तो परिधि 5,00,000 से ज्यादा नहीं है बराबर। तो 2 पाताल कलश के बीच में ज्यादा तो जगह होगी होगी नहीं ना, छोटे छोटे पाताल कलश होंगे 50,000 योजन में बस बराबर।
चारों पाताल कलश 1-1 लाख योजन के, और ये जो 1 लाख के बाद की जो पूरी परिधि है ना, यहाँ पे लवण 1 ही लाख हुआ है, तो 1 लाख इधर 1 लाख इधर, और अंदर का मेरू तो 3 लाख मिलके उसकी 3 गुना गिनोगे तो यहाँ तक 10 लाख तो परिधि हो गई। तो 10 लाख परिधि में 4 1-1 लाख के तो लवण बड़े कलश हो सकते कि नहीं बताओ। तो इस प्रकार से लवण समुद्र में पाताल कलश है, पाताल कलश तो बराबर मध्य के भाग में है, यहां से शुरू होंगे आधे इधर आधे इधर 1 लाख योजन में, 50,000 इस तरफ 50,000 इस तरफ। लेकिन ये जो पर्वत आ रहा है गोस्तुभ आवास पर्वत, ये भी किनारे से नीचे उतरना है 42,000 जितना आप अंदर आओगे तब आपको, आप नीचे उतर रहे हो तब आपको 43,000 तक पहुंचोगे, तब आपको 4,301 योजन पानी के अंदर जमीन में गड़ा हुआ ये पर्वत का मूल मिलेगा। ये पानी की सपाटी के ऊपर 1700 योजन के ऊपर कुछ है और पानी के नीचे ये 4,305 बराबर। ये 4,305 तक पानी कंफर्म हो गया बराबर ना, क्योंकि ये पर्वत की ऊंडाई पानी के अंदर है, 1700 तो ऊपर है पानी के लेवल के ऊपर, पर पानी के लेवल से अंदर ऊंडाई में भी 4,305 है। तो 4,305 तो है, 42,000 पे 4,305 जितना पानी तो कंफर्म हो गया, यही समझना है बस। तो अगर यहाँ 42,000 पे 4,300 मतलब 1/10 भाग का पानी है, तो 50,000 तक आप जब पहुंचोगे नीचे आगे, 50,000-55,000 तक आप पहुंचोगे, 1 लाख तक पहुंचोगे, आपको तो 1 लाख तक पहुंचना है, 1 लाख तक पहुंचोगे तो उसका आधा 50,000 पानी होगा कि नहीं। जैसे जैसे 95 तक पहुंच गए तो 95,000 पानी हो गया यहाँ पे, आप 95,000 पहुंच गए, 95,000 पानी हो गया। जैसे जैसे जा रहे हो पानी बढ़ रहा है जमीन घट रही है, जैसे जैसे बाहर आ रहे हो पानी घट रहा है जमीन बढ़ रही है, लेकिन दोनों मिलके तो 95,000 टोटल हो ही जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ पे आपको सब दिख रहा है। ये चार दिशा में चार गोस्तुभ आवास पर्वत, दक्षिण आवास पर्वत ये चार, और बाकी कोण में चार वेलंधर आवास पर्वत। देखो आ गया समझ में, ये लवण के अंदर की बात है। इतना पानी के अंदर, ये सारे 4,300 योजन पानी के अंदर, और आठों दिशा विदिशाओं में आ गए। दिख रहा है कर्सर फरे देखा है से? बस ये जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप से बाहर निकलो किसी भी दिशा विदिशा में आपको ये गोस्तुभ आवास पर्वत मिलेंगे, और ये सारे नागराजों के हैं। किसके? नागराजों के। तो ये आठों आवास पर्वत उसके, और उसके बाद में यहाँ चंद्रद्वीप सूर्य द्वीप है। देखो ये गौतमी द्वीप है, ये गौतमी द्वीप किसका है? तो लवण समुद्र के जो देव है ना, अधिष्ठायक देव सुस्थित देव, ये उसका है गौतमी द्वीप, यहाँ ये उनका रहने का स्थान। और बाकी बाजू में सूर्य द्वीप चंद्रद्वीप, जो लवण के चार है ना वो सबके, सूर्य द्वीप चंद्रद्वीप ये लवण के, और ये आठ से भी सूर्य द्वीप चंद्रद्वीप है, लेकिन ये किसके हैं? ये घातकी खंड के आएंगे, आधे घातकी खंड के इधर आएंगे, आधे घातकी खंड के बाद बाहर आएंगे। पर यहाँ पे आपको लवण और इसके जम्बू के सबके मिला के यहाँ सूर्य द्वीप चंद्रद्वीप आएंगे। बराबर। तो लवण के चार और 2-6, जम्बू द्वीप के 2-6, और 1 घातकी खंड के 6 में से 3, 3-3-6, तो 6-6-12 हो गए। देखो यहाँ 12 है, देखो है ना, देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गए इस तरफ के, और 12 इस तरफ भी होंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 और 12, 24, ये 24 के 24 सूर्य द्वीप और चंद्रद्वीप, 12 सूर्य द्वीप 12 चंद्रद्वीप। तो ये 12 किसके? तो उसमें 2 जम्बूद्वीप के और 4 लवण के, तो 6 ये हो गए, और घातकी खंड के 12 में से आधा
क्योंकि आधा यहाँ आएगा आधा कालो दधी में जाएगा, आधा लवण में आएंगे उनके आधे कालो दधी में जाएंगे, तो इस प्रकार से उनके छः, तो छः उनके और पहले के छः तो टोटल 12 हो गए। इस प्रकार से सूर्य चंद्र जो भी ज्योतिष के उनके द्वीप लवण के अंदर, बराबर। आओ अब देखो ये पाताल कलश कैसे हैं उसका भी फोटो देख लीजिए। ये बड़े पाताल कलश और यहाँ बाजू में छोटे छोटे लघु पाताल कलश, 7,800 है टोटल चारों मिला के। लगभग एक 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 में ये 2,000 होंगे, थोड़े कम 2,000 में, तो ये 2,000 जितने छोटे कलश और एक ये बड़ा कलश, ये मिलके हर एक दिशा से पानी को उछालते हैं। इसके अंदर पड़ा हुआ पानी ही सब उछालता है, बराबर। आपको यहाँ भी वही आकृति मिलेगी थोड़ी अलग ढंग से, बाकी मछलियाँ और ये सब रहते हैं, और ये आठों आवास पर्वत। यहाँ पे द्वीप देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक गौतमी द्वीप, यहाँ 1, 2, 3, 4, ये भी 4 और ये 8, 8 और 4, 12, समझ में आ गया। नक्शा समझ लीजिए, जितना घातकी खंड से भी लवण में नीचे उतरना है, जम्बू द्वीप से भी लवण में नीचे उतरना है, तो जितना आप यहां से नीचे उतरते जाओगे, तो जैसे जैसे उतरोगे ना, ये 95,000 तक आपको उतरना है, ये 95,000 तक आपको नीचे उतरना है। किनारे में बिल्कुल पानी नहीं होता है, आप जानते हो लवण के किनारा, दरिया का किनारा बिल्कुल पानी नहीं है, तो नीचे तक पूरी ये 95,000 यहां से नीचे तक पूरी जमीन है, और धीरे धीरे पानी का भाग बढ़ेगा, जमीन घटेगी। देखो यहां से दिखेगा आपको, ये पानी का एरिया है और ये जमीन का एरिया है नीचे, और ये पानी का एरिया है। जैसे पानी का एरिया बढ़ेगा जमीन घटेगा, जैसे पानी का बढ़ेगा जमीन घटेगा, बराबर ये 1,00,000 योजन तक आप पहुंचो उससे पहले ही 50,000 में, क्योंकि ये कलश का पेट है ना वो 50,000, कलश का पेट है ना ये 50,000, इस तरफ 50,000, पूरा 1,00,000 का है। तो आप यहाँ देखोगे कि जब तक ये कलश का पेट आएगा तब तक तो ये मिट्टी रहेगी ना, इधर तक रहेगी कि नहीं बोलो, ये सारा मिट्टी है नीचे का एरिया, ये जो लाइन डोरी है ना इसके नीचे सारा एरिया मिट्टी है, और ऊपर के भाग में ही पानी है बस। ये मिट्टी है जिसके अंदर ये लवण का बेस कहा जाएगा, और ये कलश है, यहां तक पानी है, पानी यहां जरूर पानी, समझ में आया, ये एरिया में जरूर पानी। ये 1,000 से लेके यहां तक 1,00,000 हो जाएगा, पेट पेट तक ये कलश 1,00,000 हो जाएगा, तो यहां चौड़ाई में भी 1,00,000 योजन तक तो इसके अंदर पानी आ ही गया, तो यहां तक ये पानी जरूर है कलश के अंदर, अंतिम नीचे तक पानी है, अंतिम नीचे तक पानी है, लेकिन कलश के बाहर का ये पूरा एरिया मिट्टी है। कलश के बाहर आप इसको पानी नहीं समझ सकोगे, पानी ये जैसे आप यहां तक पहुंचे हो 50,000 के बाद ही, 50,000 तक तो ये मिट्टी मिलेगी नीचे से ऊपर 50,000 योजन तक, तो ऊंडाई में तो मुश्किल से 50,000 योजन पानी ये बाहर के भाग में होगा, कलश में 1,00,000 होगा लेकिन बाहर 50,000 होगा, बराबर। ये समझ में आ जाएगा तो देख लीजिए, क्योंकि ये नीचे मिट्टी का बेस तो होना ही होना है, और ये जो है उन कलश का नीचे का जो कांठा वो 1,000 योजन मिट्टी के अंदर ही ऊंडा है, और बाकी ये पूरा नीचे अवकाश अंदर जाएगा, काला वाला है वो। अब आप यहां देख सकते हैं कि 1/3 भाग में नीचे 10,000 योजन तक वायु है, उसके बाद ऊपर के 1/3 भाग में मतलब 33,333 योजन, 1/3 भी कुछ कम नहीं है, 33,000 योजन है। आप देख सकते हो उसमें भी जल और वायु दोनों मिश्रित, नीचे में खाली वायु ऊपर जल वायु दोनों मिश्रित, मतलब वायु ने थोड़ी थोड़ी जगह ऊपर के भाग में की है लेकिन उसके बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि ऊपर तो पूरा का पूरा जल है, तो नीचे से वायु परपोटा करके यहाँ आ रहा है, यहाँ जल वायु मिश्रित है लेकिन वायु अब ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर खाली जल है, तो वो इसलिए दबाव बनता है, दबाव बनता है, वायु उछलता है, वायु उछलेगा तो जल उछलेगा,
पर वायु कभी भी ये दूसरे एरिया से बाहर नहीं निकलेगा, ये याद रखना। वो नहीं निकल पा रहा है ना, इसलिए उछल रहा है। वो बाहर नहीं निकल पा रहा है इसलिए उछल रहा है। आप देख सकते हो जब भी आपके पानी उबल रहा हो या दूध उबल रहा हो तो वो उबल रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, इसलिए अंदर उछल रहा है कि नहीं, बोलो। वो बाहर नहीं निकल सकता तो अंदर उबलेगा ना, तो उछाला तो आएगा ना उसमें। ऐसे ही ऊपर आओ, ये पूरे 10,000 योजन की चौड़ाई और यहाँ से ये 16,000 ऊपर जल वृद्धि होगी। ये तो 16,000 होगी और ये आधा योजन तक ऐसे ही ये वृद्धि के कारण वृद्धि होके पानी नीचे गिरेगा और भर्ती ओट के टाइम पे ये आधा योजन जल वृद्धि बढ़ेगी। भर्ती के टाइम पे ओट के टाइम में घट जाएगी, भर्ती में बढ़ेगी ओट में घट जाएगी, आधा योजन तक की जल वृद्धि। 16,000 शिखा तो चालू ही है, उछल ही रही है, वो कभी आज है और कल नहीं है ऐसा नहीं है। 16,000 जल शिखा तो उछल ही रही है, ये तो कुंभी के कारण उछल रहा है, कुंभी में जो वायु है उसके कारण ये उछल रहा है पानी। मगर भर्ती ओट होना तो ये सारा पानी उछलना वो दिन में दो ही बार होगा, 6 घंटे भर्ती, वापस 6 घंटे पानी नीचे बैठ जाएगा ओट आधा, वापस 6 घंटे भर्ती तो उछलेगा वापस नीचे। तो जो तिथि होगी उतने बजे उछलेगा, दिन में भी उतने बजे और रात में भी उतने बजे, तिथि के साथ उसका संबंध होता है। तिथि जब भी तिथि का समय नजदीक आएगा तो भर्ती ही आएगी और तिथि का समय उसके बराबर 6 घंटे निकल गए तो ओट होना शुरू। अब वापस रात्रि तिथि, ये दिन तिथि रात्रि तिथि की बात है, दोनों तिथि 12-12 घंटे की है। जब भी दिन तिथि का समय नजदीक आएगा तो वो उछलेगा और 6 घंटे निकल गए तो वो वापस ओट। अब वापस रात्रि तिथि की शुरुआत होगी, तिथि का समय नजदीक आएगा तो फिर से 6 घंटा उछलेगा और जब ये खत्म हो जाएगा तब वापस ओट। तो इस प्रकार से दोनों दिन तिथि रात्रि तिथि में तिथि के समय तक पहुंचना भर्ती बताएगा ही बताएगा कि आज कौन सी तिथि है, क्योंकि जो तिथि होगी उसी समय उतने ही बजे उछलेगा। समझ में आई ये बात? पूनम है तो 12 बजे ही भर्ती है, ये कन्फर्म है, और 6 बजे ही ओट है अगर पूर्णिमा है तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए कि पूर्णिमा कब है, चौदस कब है, ये समझना बहुत इजी हो जाएगा। बराबर जो अभी मैंने बताया मैं वही बोल रही हूँ, फिर से सुन लीजिए कि लवण समुद्र में छोटे छोटे अलीजर के आकार वाले महाकलशों के आकार जैसा ही पाताल कलश है और ये सारे पाताल कलश टोटल 7,884 होते हैं और ये महापाताल कलश और क्षुद्र पाताल कलश नीचे मध्य और ऊपर के त्रिभाग तीनों में ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला वायु, ये भी कल डिस्कस कर लिया था, ये वायु काय की का स्वभाव ही है ऊपर चढ़ना, इसका स्वभाव ही है ऊपर चढ़ना और ये इसके ऊपर चढ़ने के स्वभाव के कारण ही ये पूरे जल को उछाला देकर ऊपर चढ़ाता है। बराबर, देश काल के योग्य तीव्र और मध्यम भाव से जब ये परिणाम को वो प्राप्त कर रहा है। देश काल के योग्य मतलब पर्वतिथि अपर्वतिथि, देश काल उसी में आता है। अगर पर्वतिथि का समय आ गया और पर्वतिथि के दिन अगर ये कर रहा है, पूर्णिमा के दिन कर रहा है, तो बराबर 12 बजे और शाम को दोनों 12 बजे भर्ती और दोनों 6 बजे ओट। और बराबर जैसे ये मान लो कि अष्टमी के दिन कर रहा है तो 12 की जगह 9 बजे, 9 बजे दोनों 9 बजे भर्ती, दोनों 9 बजे ओट। तो इस प्रकार से इसका बदलाव होता रहेगा। आओ, इसीलिए 14 आदि तिथियों में अष्टमी, 14, पूनम अमास, ये सारी तिथियों में ये ज्यादा प्रमाण में उछलता है। इसी कारण से हे गौतम, लवण समुद्र में 14, आठम, अमास और पूनम, ये 4 तिथियों में पानी की अत्यंत वृद्धि होती है। आओ, समुद्र दिन में 2 बार बढ़ता है, 2 बार घटता है, क्योंकि तिथि 2 बार आती है। यही मुद्दा है, वो तिथि से ही संबंध संपर्क कर रहा है। जब तिथि का समय आ गया तब वो बढ़ जाएगा और जब तिथि का समय दूर जाएगा तब वो घट जाएगा। ये दिन तिथि हुई, रात्रि तिथि में भी वही होगा। चलो, चक्रवाल शिखा 10,000 योजन चौड़ी है और 16,000 योजन ऊपर है और वो ऊपर उछल के पानी नीचे गिर रहा है तो वो आधा योजन तक और ये साइड का पानी भी बढ़ता है
और ये अभ्यंतर वेला, बाह्य वेला और ये सारी तीनों वेला, अभ्यंतर वेला को धारण करने वाले 42,000 नागकुमार देव, फिर बाह्य वेला को धारण करने वाले 72,000 नागकुमार देव और 60,000 नागकुमार देव अग्रोदक आगे उछलने वाले पानी को धारण करते हैं। तो टोटल 1,74,000 नागकुमार देव है, ये सब मिलके ये वेला को धारण करते हैं। आगे अब आपने वो जो गोस्तुभ आवास पर्वत है वो जाना, गोस्तुभ देव की बात की है कि जो गोस्तुभ देव है वो भी पर्वत भी अनादिकालिक, देव भी अनादिकालिक, और ये नाग राजेंद्र, गोस्तुभ नाम के नाग राजेंद्र 4,000 सामायिक देव के साथ सौ परिवार अपनी 4 पत्नियों के साथ 3 पर्षदाओं के साथ 7 अनिकों और 7 अनिक अधिपतियों का 16,000 आत्मरक्षक देवोनू गोस्तुभ पर्वतनू राजधानी और ये राजधानी में रहने वाले अनेक देव देवियों के साथ अधिपति करते हुए सुखपूर्वक रहता है। देखो अभी मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनो। आपको पता है जब कृष्ण ने कालिया नाग को नाथे हो तो एनी परिवार एनी पत्नी राणियों साथे हो तो याद छे? तो अबे बोलो वासुदेव करसे कि नहीं आ काम? समुद्र मां जई अने त्याना देवों ने नाथवा होय तो त्या तो नागकुमार देवो छे ने? तो आ लोकोए जे कृष्णनी जे वार्ता करी के बाळ स्वरूपे कृष्ण जारे नाना हता त्यारे जई ने कालिया नाग ने नाथी आव्या हता અને રાણીઓ એમની વશમાં આવી હતી। હવે તમે વિચારો કે જ્યારે પણ આ એમને સુસ્થિત દેવને કહી અને અંદરના વેલંધર દેવોને જ્યારે એ નાથવા જશે, આ બધાને કબજે કરવા જશે એરિયા, તો સેમ વાર્તા આવશે કે નહીં આવે? તો આ નાગકુમાર દેવોનું 4,000 સામાન્ય દેવોનું તો સૈન્ય છે, એની 4 રાણી છે, તો બધી નાગણો આપણે જે વાર્તા છે બોલો બોલો બરાબર આવે છે કે નહીં આની સાથે? હવે ગોસ્તુપ તો થઈ ગઈ, એના પછી ઉસકે બાદ દક્ષિણ દિશા મેં લવણ સમુદ્ર મેં 42,000 યોજન આગે જાઓ। દક્ષિણ દિશા મતલબ એરાવત, અરે ભરત ક્ષેત્ર સે આગે જાના હૈ। આપ ભરત ક્ષેત્ર કે બાદ ખતમ હોને કે બાદ दक्षिण दिशा में लवण समुद्र में जितने आगे जाओगे 42,000 योजन छोड़ने के बाद शिव नाम के वेलंधर नागराज का दगभास नाम का आवास पर्वत है। यहाँ भी नाम भी शिव आया है, दक्षिण में ही आया है, वो हमारे एरिया में ही आया है, भरत क्षेत्र के वाले एरिया में ही शिव, ये भी नागकुमार देव। ये पर्वत सर्व रीत से अंक रत्नमय है, स्वच्छ प्रतिरूप है और ये पर्वत लवण समुद्र में चारों ओर से अपनी सीमा से 8 योजन क्षेत्र जितना ही यहाँ पे पानी है और उस इतने पानी को विशुद्ध अंक रत्नमय होने से वो उद्दीप्त करता है, उद्योतित करता है, तापित करता है, कांति युक्त करता है और ये महर्द्विक आदि सारे विशेषण वाले शिव नाम का यहाँ देव रहता है। ठीक है, अब दूसरा पर्वत आया है वहां से, अब ये जम्बू से आपको मंदर पर्वत से पश्चिम दिशा में जाना है। पश्चिम में जाओगे माँ घातकी खंड के महाविदेह, पूर्व महाविदेह की तरफ, ये तरफ जाओगे 42,000 आगे जाओगे तो वेलंधर नागराज उनके शंख नाम का आवास पर्वत है। तो आवास पर्वत तो जैसे ऊपर जो डिस्कस किए उसके जैसा ही समझना है। और अब आओ उत्तर दिशा में, मतलब अब जाना कहाँ से है आपको? एरवत पर्वत से। एरवत पर्वत से आप आगे जाओ उत्तर दिशा में तो वहां आपको दक्षिम नाम का आवास पर्वत मिलेगा, दक्षिम नाम का। और ये पर्वत सीता सीतोदा महानदियों के जल प्रवाह जहां से बह रहा है वो एरिया में जल की सीमा का ये करता है। मतलब ये पर्वत पर सीता सीतोदा का पानी जा रहा है। दक्षिम नाम भी अनादि है, कालभावी है,
त्रिकाल स्थाई ध्रुव नियत अव्यय और नित्य है। मनशील देव, यहाँ पे मनशीलक वेलंदर नागराज है और उनकी राजधानी तो दूर 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 12,000 योजन छोड़ने के बाद आएगी। अब ये गोस्तु पर्वत है वो कनकमय रत्नमय शंख रजतमय स्फटिकमय पर्वत है और जो देव हैं वो आगे बताए ऐसे ही उनकी आयु और सब समझ लेना। आओ अब ये अनु वेलंधर रूप की बात की। अनु ये सारे वेलंधर देव थे चार जो चारों दिशा को देख रहे थे। अब आओ आपको चारों विदिशा के महल देखने हैं। देखो आओ मैं वापस अभी समझा देती हूँ हमने ये क्या देखा है। आओ देखो ये दिख रहा है आपको बराबर लवण में। आप यहाँ अंदर से जम्बू से जाओगे 40,000 तक जाओगे तो ये दिशा में आपको ये एक आवास पर्वत, ये पूर्व का मिला, यहाँ पश्चिम का मिला, यहाँ उत्तर का मिला, यहाँ दक्षिण का मिला। अब आपको एक और ये चार मिलेगा, ईशान अग्नि नैऋत्य वायव्य। अब ये चार का भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आठ विदिशा के आठ वेलंधर देव के ये महल लवण समुद्र के अंदर हो गए। समझ में आया? हाँ? अब अनु वेलंधर रूप नागराज जिनके चार नाम है कर्कोटक कर्दम कैलाश और अरुण प्रभ। जम्बू नाम के द्वीप में जो मंदर पर्वत है वो मंदर पर्वत के ईशान दिशा में। आप ईशान में आगे जाना है लवण समुद्र में 42,000 योजन आगे जाओगे तो कर्कोटक नागराज का कर्कोटक आवास पर्वत है और ये बिल्कुल गोस्तु पर्वत की तरह ही समझ लेना है। यहाँ पे नानी मोटी बहुत ही वाव होती है, बील पंक्तियाँ है और उस सब में उत्पल यानी कि लाख दल वाले कमल है और ये सबका आकार कर्कोटक जैसा है, कर्कोटक जैसा ही उसका वर्णन है, ठीक है। तो ये कर्कोटक नाम के देव भी वहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे देव भी कौन रहते हैं? कर्कोटक देव। अब ईशान दिशा में तिर्यक असंख्या द्वीप समुद्र को पार करके वहां उनकी राजधानी आई हुई है। यहां से अब आगे जाना है मंदर पर्वत से नैऋत्य दिशा में, मंदर पर्वत से नैऋत्य में मतलब दक्षिण और पश्चिम के बीच में। तो हमारे एरिया से नीचे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरफ साइड में आया ये। तो आप वहां से जब समुद्र में अंदर जाओगे इससे पहले अग्नि दिशा की बात की है। अग्नि दिशा में जाओगे कदर्मक अनु वेलंधर देव है, कदर्मक पर्वत भी है। उसके बाद नैऋत्य में जाना है 42,000 योजन आप जाओगे मतलब हमारे इस तरफ पीछे के भाग में तो वहां 42,000 आगे जाने पे कैलाश अनु वेलंधर देव नागराज कैलाश नाम का उनका आवास पर्वत, कैलाश नाम के देव भी वहां रहते हैं। और अरुण प्रभ अब जो चौथा पर्वत है वो है उनके देव का नाम है अरुण पर्वत अरुण प्रभ और ये ईशान अग्नि नैऋत्य वायव्य दिशा में आएगा। ये बराबर मेरु से वायव्य दिशा में आएगा। ये दक्षिण अमेरिका की तरफ आपको अंदर पानी में जाना है तो अरुण प्रभ नामक देव का यहाँ पर्वत मिलेगा। अब लवण समुद्र के अधिपति सुस्थित देव के पर्वत की बात की है। उनका द्वीप है गौतमी द्वीप जो ये जो यहाँ कहाँ है वो बताया है। मंदर पर्वत से पश्चिम में जाओ लवण समुद्र में आगे जाना है 12,000 योजन तक, पश्चिम दिशा में 12,000 योजन तक ही जाना है, ज्यादा दूर नहीं। सिर्फ अंदर ये तो 42,000 है
ये जो आपने पर्वत देखे गोस्तुभ आवास और ये सबके, लेकिन ये तो खाली 12,000 ही अंदर जाना है बस। और 12,000 आप अंदर जाओगे तो आपको यहाँ लवण समुद्र के अधिपति का, आपको यहाँ पे गौतमी द्वीप मिलेगा। ये द्वीप 12 योजन लंबा चौड़ा ही है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और 37,942 जितना उसका परिक्षेप है, तो ये लगभग 14,000 जितना योजन तो उसकी चौड़ाई लंबाई चौड़ाई हो गई। जम्बू द्वीप के दिशा में और जम्बू द्वीप के अंत में ये 88.5 योजन जितना ही, मतलब 89 योजन जितना ही पानी से ऊपर निकला हुआ है बस, समझ में आया, बाकी अंदर पानी में। और लवण समुद्र की दिशा में, लवण समुद्र के अंत में पानी से 2 कोस ऊंचा बाहर निकला हुआ है। बहु ये समझने जैसा है, ये हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ ये बता दिया है कि 12,000 योजन जाओ, तो 12,000 जब आप योजन जा रहे हो अंदर पानी में जा रहे हो, तो उसके 10वें भाग मतलब 1200 योजन से ज्यादा ये डीप होगा ही नहीं। यहाँ खाली 1200 योजन ही पानी मिलेगा, ये बात समझ में आई। आप लवण समुद्र में जितना अंदर उतर रहे हो, धीरे 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 धीरे, पहले एक भाग, आप 12,000 जा रहे हो तो उसका 10वां भाग कितना होगा, 120 योजन। 12,000 का 10वां भाग सिर्फ 120 योजन, आपको उससे ज्यादा पानी मिलेगा ही नहीं उधर, इतना ही पानी मिलेगा 120 योजन जितना। 120 योजन ये जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, तो इससे ज्यादा ये जमीन के अंदर डीप मिलेगा नहीं। अगर ये 12,000 जा रहे हो तो 1200 योजन पानी, 10वां भाग का पानी मिलेगा, और उसके 10वां भाग 120 योजन वो नीचे गड़ा हुआ मिलेगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है। समझ में आ गया? और खाली 88.5 योजन ही बाहर निकला हुआ है, क्योंकि पानी में डीप ही ज्यादा नहीं है, खाली 1200 योजन ही डीप है, तो ज्यादा तो बाहर निकलेगा नहीं। अब यहाँ पे ये बताया है कि लवण समुद्र के अंत में पानी 2 कोस ऊंचा निकला हुआ है। ये लवण समुद्र के अंत में, समुद्र की दिशा में, समुद्र के अंत में मतलब जब समुद्र पूरा हो रहा है, पानी कितना है, खाली 2 कोस ऊंचा, अंत में पानी से 2 कोस ऊंचा निकला है ये जो इनका द्वीप है वो, मतलब बहुत ही कम दिख रहा है, खाली इतना ही लवण समुद्र के बाहर के भाग से थोड़ा ही दिख रहा है। तो ये है सुस्थित नाम के देव का एक विशाल क्रीड़ावास, भूमे विहार, जहाँ पे ये आकर घूमते हैं। इसको गौतमी द्वीप कहा गया है, सैकड़ों स्तंभ से ये बना हुआ है। आओ, तो ये हो गया गौतमी द्वीप का विवरण। अब ये फोटो में तो आपने देख लिया, ये 4 बड़े कलश और बाकी के एरिया में छोटे कलश। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि कोई भी जगह लवण की खाली है बिना कलश की, देखो तो बताओ जरा। हाँ, लवण समुद्र के अंदर के ये 5 लाख एरिया में एक भी जगह बिना कलश की है नहीं? तो सारे समुद्र में एक साथ भरती ओट आती है कि नहीं आती है? कोई भी जगह छूटे ऐसी होती है क्या? कोई भी जगह छूटने की गुंजाइश है ना? ना, कोई भी जगह छूटने की गुंजाइश यहाँ पे नहीं। गौतमी द्वीप का विवरण बताया है, उसमें छोटी बड़ी वाव भी है, गोमेद रत्न जैसा उसका कलर है, आप्रभा है जो वाव, और जो गौतमी द्वीप है वो, वहाँ गौतम देव रहते हैं और इसलिए उसका नाम भी गौतमी द्वीप है।
और लवण समुद्र के अधिपति जो सुस्थित देव है उनकी सुस्थिता नाम की राजधानी भी द्वीप से पश्चिम में तिर्यक असंख्याता द्वीप समुद्र छोड़ के जाओगे उसके बाद दूसरा कोई एक लवण नामक समुद्र आएगा उसके अंदर 12,000 योजन आगे जाने से सुस्थित देव की सुस्थिता नाम की राजधानी आएगी। आपको यहाँ एक चीज समझनी है, जैसे जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, उसके बाद घातकी खंड द्वीप, खाली एक एक नहीं है, असंख्य नाम के अंदर द्वीप आएंगे आगे। आपको हम लोग ये लास्ट ईयर पढ़ चुके थे, आपको याद आया कि जो जो नाम की चीज है ना वो सारे नाम के द्वीप है, याद आया? ये असंख्य द्वीप समुद्र में नाम बता समुद्र छे, उसमें जम्बू द्वीप और सूर्य घातकी खंड द्वीप ये सारे रिपीट हो रहे, खाली यही द्वीप है जो उसके नाम रिपीट हो रहे हैं, असंख्य द्वीप समुद्र में भी वापस आ रहे। तो जो जम्बू द्वीप और लवण समुद्र, दूसरा जम्बू द्वीप, दूसरा लवण समुद्र बोला है ना, वो यहाँ से असंख्य योजन के बाद शुरू होगा। समझ में आया? उसी में सूर्य द्वीप, चंद्र द्वीप, नक्षत्र द्वीप, तारा द्वीप, जितने नाम है सबके द्वीप है, तभी तो असंख्यता होगा ना। इतना बड़ा ये तिर्यक लोक है। आओ अब लवण समुद्र के दो सूर्य और दो चंद्र के द्वीप जो बताए हैं वो है पूर्व दिशा के चर्मांत की वेदिका से लवण समुद्र के पश्चिम दिशा में जाना है, लवण के पूर्व से लवण के पश्चिम की तरफ, पूर्व की जो वेदिका है वहां से पश्चिम की तरफ, मतलब कि पूरा घातकी खंड की तरफ जाओगे तब आपको वहां सूर्य द्वीप मिलेंगे। तो घातकी खंड तरफ जितने सूर्य द्वीप है वो आधे उसमें से 6 सूर्य 6 चंद्र के द्वीप यहाँ पे जरूर मिलेंगे, और घातकी खंड तरफ ही है वो घातकी खंड के, लेकिन जम्बू और लवण के सूर्य चंद्र कहाँ मिलेगा, वो जम्बू द्वीप की तरफ मिलेगा। बराबर समझ में आया? फिर से बताऊं, देखो आओ देखो ये अंदर जम्बू द्वीप है बराबर, तो दो सूर्य और दो चंद्र, देखो यहां से ये 4 है ना द्वीप, 1 2 3 4 दिख रहा है सबको? हाँ, ये 4 सुचंद्र द्वीप, और देखो यहाँ पे ये गौतमी द्वीप लिखा हुआ है, गौतमी छोड़ दो, बाकी के 2 4 सूर्य द्वीप। तो ये 4 सूर्य द्वीप, 4 चंद्र द्वीप में ये जम्बू के 2 सूर्य के यहाँ द्वीप मिलेंगे, 2 सूर्य द्वीप 2 चंद्र द्वीप, ये जम्बू के 2 सूर्य द्वीप यहाँ मिलेंगे, 2 चंद्र द्वीप यहाँ मिलेंगे, बराबर? हाँ या ना? क्योंकि जम्बू के सूर्य को रहने के लिए जगह चाहिए ना, ये तो सूर्य विमान तो घूमता रहेगा, वो रहते तो होंगे ना कहीं जाएंगे ना अपने घर पे भी। तो जम्बू के 2 सूर्य 2 चंद्र नजदीक में ही जाएंगे, यहाँ पे 2 सूर्य द्वीप, यहाँ 2 चंद्र द्वीप। अब लवण के 4 सूर्य है, लवण के 4 सूर्य ये बीच वाली लाइन पे घूमते हैं, तो उनके द्वीप 4 सूर्य में से 2 यहाँ और 2 यहाँ होगा कि नहीं? 2 अंदर होगा 2 बाहर होगा, बराबर? तो 2 लवण के यहाँ पे है, देखो ये 2 लवण के, ये 2 सूर्य द्वीप, ये 2 चंद्र द्वीप। तो लवण के 2 यहाँ पे और 2 बाहर है, बाहर में से ये 2 उसके गिन लो, ये 2 उसके और इस तरफ 2 उसके, सूर्य द्वीप चंद्र द्वीप। तो अब आपको यहाँ बाकी 6 बचे, 2 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 के लिए बाजू में ही घातकी खंड आएगा ना। हाँ, ये पश्चिम के बाजू में यहाँ घातकी खंड, पश्चिम घातकी खंड, और पूर्व से यहाँ पूर्व घातकी खंड आएगा ना लवण के। तो यहाँ के 6 सूर्य के ये 6 द्वीप और ये मतलब 3 सूर्य द्वीप 3 चंद्र द्वीप, आधे आधे घातकी खंड के भी 6 है, तो 3 सूर्य 3 चंद्र यहाँ मिलेंगे और 3 सूर्य 3 चंद्र यहाँ मिलेंगे। समझ में आया? हाँ,
हाँ, और ये जैसे ये जम्बू है, ये लवण है, तो बाजू में यहाँ दो घाटकीकंड है ना, हमने कल पिक्चर देखा था, याद आ गया। देखो मैं अभी वापस ये भी बता रही हूँ तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा सब। हाँ, त्रणवाड़ू बता। हाँ देखो, आ गया, लो आओ देखो। देखो आ गया। अब ये लवण है, ये पाताल कलश है, चारों ये लवण है। तो बराबर यहाँ पे आपने वो उसमें द्वीप देखे ना, लवण के अंदर ये एरिया में और ये एरिया में, तो यहाँ के दो सूर्य चंद्र और लवण के चार, तो चार और दो छह, और ये घात की खंड के तीन और ये घात की खंड के तीन। क्यों? क्योंकि तीन का द्वीप यहाँ मिलेगा और बाकी का तीन का कालोदधि में मिलेगा। समझ में आ गया? हाँ, तो यहाँ के तीन सूर्य और यहाँ के तीन सूर्य, तो यहाँ तीन सूर्य जो घूम रहे हैं ना इस तरफ के, तो इसके तीन सूर्य पूर्व के, तो पूर्व में ही, इधर पश्चिम में ही मिलेंगे ना नजदीक में द्वीप, और यहाँ से ये नजदीक पड़ेगा ना उसका घर, और ये घातकीखंड के बाकी के तीन के कालोदधि में और यहाँ के तीन के कालोदधि में। समझ में आ गया? ऐसे द्वीप की सिस्टम होती है, चंद्र द्वीप सूर्य द्वीप। समझ में आ गया ना? मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया है। द्वीप और समुद्र के नाम बताए हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मुझे ना ये पढ़ना है, मैं बोल रही हूँ आप सुनिए, आपको पता चलेगा कि सुनने में कितने द्वीप, सूर्य द्वीप, चंद्र द्वीप, कितने नाम के द्वीप आते हैं। मैं लाइन से बोल रही हूँ, पहला है जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, घाटकीखंड द्वीप, कालोत समुद्र, पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, द्यूतवर द्वीप, द्यूतवर समुद्र, इक्षुवर द्वीप, इक्षुवर समुद्र, नंदीश्वर द्वीप, नंदीश्वर समुद्र, अरुणवर द्वीप, अरुणवर समुद्र, कुंडलवर द्वीप, कुंडलवर समुद्र, रुचक द्वीप, रुचक समुद्र, आभरण द्वीप, आभरण समुद्र, वस्त्र द्वीप, वस्त्र समुद्र, गंध द्वीप, गंध समुद्र, उत्पल द्वीप, उत्पल समुद्र, तिलक द्वीप, तिलक समुद्र, पृथ्वी द्वीप, पृथ्वी समुद्र, निधि द्वीप, निधि समुद्र, रत्न द्वीप, रत्न समुद्र, वर्षधर द्वीप, वर्षधर समुद्र, द्रह द्वीप, द्रह समुद्र, नंदीश द्वीप, नंदी समुद्र, विजय द्वीप, विजय समुद्र, वक्षस्कार द्वीप, वक्षस्कार समुद्र, कपी द्वीप, कपी समुद्र, इंद्र द्वीप, इंद्र समुद्र, पूर द्वीप, पूर समुद्र, मंदर द्वीप, मंदर समुद्र, आवास द्वीप, आवास समुद्र, कूट द्वीप, कूट समुद्र, नक्षत्र द्वीप, नक्षत्र समुद्र, चंद्र द्वीप, चंद्र समुद्र, सूर्य द्वीप, सूर्य समुद्र, वगैरह अनेक नाम के द्वीपों और समुद्र है। बोलो, ऐसे नाम द्वीप समुद्र के आपने किसी भी और किताब में सुना है क्या? हाँ, तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि इतने सारे नाम दिए हैं कि पूछो ही नहीं। लास्ट के पांच समुद्र ले, बीच में भी बहुत सारे, जैसे इक्षुवर द्वीप, जैसे मदिरा वाले स्वाद वाला, ये इतने सारे द्वीप जो आए हैं, क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र, हमने ये सब तो अभी भी सुना होगा, लेकिन ये सारे नाम तो कभी नहीं सुने। बराबर, तो चंद्र द्वीप आ गया इसमें नाम, सूर्य द्वीप, चंद्र द्वीप आ गया। हाँ, तो उधर जाके इनकी राजधानी आएगी, वो चंद्र द्वीप में जाके इन लोगों की राजधानी आएगी, ठीक है। तो इसी तरह सूर्य की राजधानी भी सूर्य द्वीप में, चंद्र की राजधानी भी चंद्र द्वीप में। अब देवोदक समुद्र की बात की है, ये भी समझना है कि हे भगवान, प्रश्न पूछा है गौतम स्वामी ने कि देव समुद्र में चंद्रों के चंद्र द्वीप कहाँ आए हैं, देव समुद्र के चंद्र की। तो यहाँ भगवान ने जवाब दिया है कि देवोदधि समुद्र जो आएगा ना, उससे भी पश्चिम में जाना है 12,000 योजन आप जाओगे, उसके बाद वहां पे देवोदधि समुद्र के चंद्र द्वीप आए। मतलब जो भी द्वीप आएगा ना, बराबर उससे 12,000 योजन आप आगे जाओगे, उसके बाद उसके द्वीप, उसी नाम के द्वीप और उसी नाम के वहां पे आपको उसके द्वीप मिलेंगे, चंद्र के चंद्र द्वीप मिलेंगे, देवोदक द्वीप। उसमें भी बराबर ऐसा ही कि उसमें आए सूर्य के सूर्य द्वीप, देवोदक समुद्र के पश्चिम वेदिका से अंत भाग से देवोदक समुद्र की पूर्व दिशा में आगे आगे 12,000 तक जाओ, उसके बाद वहां पे जो स्थान आएगा वहां पे ये सूर्य द्वीप के द्वीप मिलेंगे। तो इसी तरह से आगे आगे के, अभी मेन पांच की बात की है,
उसको भी मैं समझा देती हूँ। लास्ट पांच समुद्र ये दुगुने नहीं है, आपको ये समझना है। लास्ट के जो पांच समुद्र है वो समुद्र एक से दूसरा डबल, दूसरे से तीसरा डबल, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नाग द्वीप है तो उसके बाद में नाग समुद्र, तो नाग द्वीप से नाग समुद्र डबल नहीं है, बिल्कुल उसके जितना ही है। फिर है यक्षद्वीप, यक्ष समुद्र, सारे एक जितने मिलेंगे। फिर भूत द्वीप, भूत समुद्र, तो ये चार द्वीप समुद्र और उसके सूर्य द्वीप भी ऐसे ही समझ लेना। अब लास्ट में है स्वयंभू रमण समुद्र, तो उसमें भी तो सूर्य चंद्र है, तो उसके चंद्र द्वीप कहाँ है, समझ में आया? तो उसके तो सूर्य चंद्र द्वीप तो स्वयंभू रमण समुद्र में ही एंड हो जाएगा, उसके आगे जाने की जरूरत है? आगे तो द्वीप ही नहीं है ना। हाँ तो स्वयंभू रमण समुद्र द्वीप के पूर्व वेदी काल के अंत से, मतलब जब द्वीप खत्म हो रहा है वहां से, स्वयंभू रमण समुद्र में 12,000 योजन आगे जाओगे तो वहीं पे ही ये चंद्र के चंद्र द्वीप मिलेंगे। मतलब कि ये यहाँ पे लास्ट हो गया है, तो स्वयंभू रमण समुद्र में लास्ट है, तो स्वयंभू, अब स्वयंभू रमण समुद्र के चंद्रों के द्वीप कहाँ है? ये तो स्वयंभू रमण द्वीप के सूर्य चंद्र आ गए। अब स्वयंभू रमण समुद्र तो असंख्य योजन चौड़ा है, उसके तो असंख्य सूर्य चंद्र होंगे, तो उसके द्वीप कहाँ है? तो ये बोला है कि स्वयंभू रमण समुद्र जब खत्म हो जाएगा ना वेदिका के अंत से, स्वयंभू रमण समुद्र के पूर्व वेदिका के अंत से, पूर्व भाग से पश्चिम तरफ आओ, मतलब अंदर आओ, स्वयंभू रमण समुद्र को बाहर नहीं जाना है, बाहर की किनारी से अंदर आओगे, हर एक समुद्र के उल्टे द्वीप मिलेंगे, बाहर की तरफ मिलेंगे, लेकिन खाली अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र है, उसके बाद में कुछ नहीं, अलोक है। तो अलोक में तो स्वयंभू रमण समुद्र, चंद्र, सूर्य चंद्र के द्वीप अलोक में तो जाएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं। तो जब समुद्र खत्म होगा ना उससे 12,000 योजन पहले, हर जगह बाद में बोला हुआ है, बराबर, हर एक समुद्र का बाद में बोला है, अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र में ही ऐसा बोला गया है कि समुद्र का खत्म होने से पहले अंदर की तरफ 12,000 योजन बाकी होगा, वहाँ पे स्वयंभू रमण समुद्र के सारे सूर्य चंद्र के द्वीप आ जाएंगे, और यहाँ पे सारे सूर्य चंद्र के विमानों के जो भी आवास बसने का जो महल है, उनके जो द्वीप है, वो आपको खत्म हो गया। समझ में आ गया? बोलो। हाँ समझ में आ गया, अच्छा हो गया। हर एक द्वीप समुद्र के, चंद्र द्वीप, सूर्य द्वीप, उसके 12,000 योजन छोड़ के, बाकी 12,000 तक के सारे समुद्र को आप ऐसे ही छोड़ दो, बाद में और 12,000 जाओ दूसरे द्वीप में, और उससे 12,000 पीछे जाओ इस ये द्वीप में, और 12,000 पीछे जाओ। अब स्वयंभू रमण समुद्र तो खुद ही असंख्य योजन का है, तो आप उसमें 12,000 पीछे जाओगे तो स्वयंभू रमण समुद्र ही आ जाएगा ना। वो खुद ही समुद्र आ जाएगा, इसलिए आओ। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया लवण समुद्र का ही, कि क्या लवण समुद्र में पानी ऊंचे उछलने वाला है, या स्थिर रहने वाला है, या समस्थिति वाला है, अथवा क्षोभ ना हो ऐसा है? तो भगवान का जवाब है, लवण समुद्र में पानी ऊंचे उछलने वाला है, ऊंचाई पे उछलेगा ऐसा, ठीक है, क्षोभ पामने वाला भी है, क्योंकि वो क्षोभ हो जाता है, वो भर्ती आएगी तो उछलेगा, और जब ओट आएगी तो वो वापस क्षुभित हो जाएगा, वो वापस संकुचित हो जाएगा, है ना। तो उसमें ये दोनों आ जाता है, उसमें क्षुभित भी आ जाता है, उछलना भी आ जाता है। उसमें अनेक उदार मेघ समूर्छना के समीपवर्ती होते हैं, समूर्छन जन्म वाले होते हैं, और फिर वो उसके अंदर ही बरसते, तो उसमें बारिश कैसे होती, लवण समुद्र में बारिश कैसे होती? तो समूर्छिन जल वाली होती है, देवकृत आएगी यहाँ पे। लवण समुद्र की तरह बाहर के समुद्रों में उदार मेघ समूर्छिन वाले होते हैं ना, हे भगवान, भगवान का जवाब है, बाहर के समुद्र में अनेक उदक योनिक जीवों और पुद्गलों मेघ वृष्टि के बिना वहाँ जाते हैं,
कितने वहाँ उत्पन्न होते रहते हैं, मतलब कि कितने जीव जल कायिक जीव वहाँ जाते भी हैं, वहाँ पे उत्पन्न भी होते हैं, वहाँ उत्पन्न होना खत्म होना चयापचय भी होता है, उपचय भी होता है, और ये सारे जल कायिक जीव वहाँ जाते हैं, मतलब कि किसी भी समुद्र के अंदर ये सारे पानी जो है जल कायिक है वो अवश्य जीव है, वो समूर्छन वाले नहीं है। समझ में आया? जितने भी समुद्र है उसमें पानी अपकाय के जीव के हैं, वहाँ समूर्छिम जीव नहीं है। तो अपकाय योनि में आप जाओगे तो असंख्य द्वीप समुद्र में से किसी भी समुद्र में आप जन्म ले सकते हो, बराबर। तो पानी अपकायिक होंगे तो तीर्यंज भी तो औदारिक होंगे कि नहीं? तीर्यंज भी समूर्छिम नहीं होंगे, है ना? आओ, बाहर के सारे समुद्र पानी से भरे हुए हैं, संपूर्ण घड़े की तरह, मतलब ये पानी से भरा हुआ है जैसे घड़ा भरा हुआ हो वैसा। आओ, लवण समुद्र उद्वेग की परिवृद्धि से कितने योजन का है। लवण समुद्र में दोनों ओर 95-95 प्रदेश जाने से वहाँ एक प्रदेश रूप जो स्थान आता है वो उद्वेग और परिवृद्धि की अपेक्षा से त्रस रेणु वगैरह कहने में आता है। तो 95-95 वालाग्र स्थान पे जाने से एक वालाग्र उद्वेद बढ़ेगा। 95 जाओगे तो एक बढ़ेगा, तो 95,000 जाओगे तो 1,000 बढ़ेगा। तो ये 1,000 उसकी उद्वेद जमीन के नीचे की ऊंडाई हुई। आओ आओ, इसको देखते हैं फोटो में। जो बड़े चार पाताल कलश है वो नीचे का एरिया है ना, 1,000 योजन का कांठा है जो जमीन के नीचे गड़ा हुआ है। समझ में आया? तो ये होगी लवण समुद्र की उद्वेद जमीन के नीचे की ऊंडाई। तो ये 1,000 योजन गड़ा हुआ, यहां भी 1,000 योजन गड़ा हुआ, यहां भी 1,000 और यहां भी 1,000, चारों दिशा में 1,000 योजन गड़ा हुआ हो गया, बराबर। क्या ये चारों दिशा में हुआ या सब जगह यहां भी हुआ, ये बताओ। 1,000 नीचे है, लंबाई चौड़ाई तो बोला नहीं है ना, परिधि तो। तो नीचे के भाग में वो 1,000 योजन ऊंडा हो गया। आओ, तो ये नीचे के जमीन के भाग में ये 1,000 योजन ऊंडा हुआ। आओ, अब 95-95 लीक्षा जाओगे तो एक लीक्षा उद्वेद, तो उद्वेद यानी कि जमीन में ऊंडा ही जितने जाओ, 95,000 है तो एक यानी कि 1,000, 95,000 के सामने 1,000, इतनी उसकी ऊंडाई होगी। इस जम्बू नामक क्षेत्र में, महाविदेह क्षेत्र में, जम्बू नामक द्वीप में, महाविदेह क्षेत्र में 10,64,000 अवांतर नदी है। 1,64,000 थी, 10,64,000। आओ आओ बेटा, बराबर। हाँ बेसन बी में 10,64,000। इस प्रकार से तीर्थंकरों ने कहा है, हे गौतम, 1,96,000 पूर्व पश्चिम दिशाओं में बहने वाली नदियां लवण समुद्र में मिश्रण होती है, और ये नदियां सुमेरु पर्वत के दक्षिण दिशा की ओर आई हुई है। तो 1,96,000 अवांतर नदी और पूर्व पश्चिम लवण समुद्र में मिल रही है, ये सारी नदियां सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में आई है। तो 7,28,000 नदियां पूर्व दिशा में से निकल के लवण में जाती है, 7,28,000 पश्चिम दिशा से मिलके लवण में जाती है। तो टोटल 14,56,000 नदी हुई, बराबर।
चलो इस चीज को हम कल समझेंगे। 14,56,000 नदियां, पूर्व समुद्र गामिनी पश्चिम समुद्र गामिनी नदियों की संख्या 54,56,000 है और जम्बू द्वीप का व्यास 1,56,000। ये सारी चीज हम कल जानेंगे क्योंकि ये पूरा टॉपिक अलग है। आज आपने जो लवण समुद्र का पढ़ा उसी पे हम ये खत्म कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि टॉपिक टॉपिक अलग है तो वो अलग ही बुक में आना चाहिए, अलग ही एपिसोड में जाना चाहिए, है ना? तो उसको हम डिस्कस कल करेंगे, ठीक है? चलो, जय जिनेन्द्र। हाँ, साता में रहो बता। जय जिनेन्द्र।